क्या निकल जा रहा ये क्या केमिकल है क्या चीज है ये बच रहा समझ ये नहीं बोल सकते क्या है क्या फूड डिपार्टमेंट वाले चेक करे तो मालूम होना आकर है क्या ये बात चले आपका पूरा छो आ रहा जी लेट डालो सर कटकर में आता है हाथ में भी ऊपर बराबर आ रहा भाई एक मिनट महाराष्ट्र चलो भाई पलटा दो बर्फ पलटा दो ये इतना कर ना ना दे ना वो वायरस कर दो ना पढ़ दीजिए बात से हाँ दुकान के सर सर वो बिजनेस इधर ये जो भी हम आटा रहे तो हाथ पे लगता है लिकाट पे धागे जड़ बोल के इतना पकड़े बाद की ये इतना पकड़े बाद की आटा रहे तो कुछ हाथ पे ये तो पूरा प्लास्टिक हो गया एक मिनट मैं नहीं पा रहा अशित भाई थोड़ा हाथ पीछे लो बस है ना तेरे देखो हाथ कितना प्रेस है आटा थोड़ी भी नहीं है नीचे पूरा तेल भी है हाँ भाई पानी नहीं तेल है वो उसे तो कुछ पानी वाली मिला कर नहीं सकते किराना मंडी के तकरीबन दुकानों पे अवेलेबल है अब वो है वो ना चाहिए ना कोई कंपनी जाना जाना वाला आया था नहीं ये ब्रांड नहीं है वाइट गोल्ड प्रिसिशन लिमिट में एक अली खान बोल के कंप्लेंट इन्होंने ये रोटी और खाना बना के पब्लिक को सप्लाई करते पैसे पे इन्होंने बिजनेस पे जो है नदीम किराना जनरल स्टोर से और नदीम किराना वाले जो है गीता ब्रदर्स स्टोर से वो आटा खरीदे आटा में जो है प्लास्टिक आ रहा बोल के बताए थे वो आटा का बैग जो है एक ब्रांड का नेम पे है एक एक आटा बैग जो है 50 kg वाला वाइट गोल्ड चिक्की फ्रेश आटा ये जो है जालना से सप्लाई हुई जैसा वो फोटोस है वो उसका बैग का कवर है ऊपर कवर है मगर उसमें बहुत सारे और चिक्कर चिक्कर रह के थोड़ा वाटर से फ्रेश करे तो पूरा उसमें प्लास्टिक आ रहा वो प्लास्टिक जहाँ तक खींच रहा तो भी नहीं टूट रहा ऐसा ये होते जा रहा वो प्लास्टिक तो प्लास्टिक वजह से जो है पब्लिक का हेल्थ खराब होता बोल के हम ये केस बना के जो है SFL को भेजा रहे कि पूरा 16 बैग जो है शॉप गीता ब्रदर्स शॉप ने मिराला मंडी है मिराला मंडी में गीता ब्रदर्स शॉप में से एक 16 बैग जो है सीज करके उसी के ने रख दिए और ये पूरा चीज़ों में शाम पे लेके स्टेट फूड लेबोरेटरी को भेजा के टेस्टिंग करवाते इसमें कुछ फॉरन बॉडी मिलाकर हुई या कुछ स्पेशली कुछ प्लास्टिक मिले या नहीं मिले बल्कि अगर वो FSL से SFL से आए तो उसके खिलाफ में FIR बना के जो है उनको अरेस्ट करेंगे तो जो कंपनी वाले सही भी कंपनी वाले से वो संबंधित कुछ है तो उसको खिलाफ में भी FIR दर्ज करेंगे ये जो डीलर है डीलर को पता है पहले से कि इसमें ऐसा मिक्स हुआ हुआ है
हाँ ये लोग बोल रहे हैं कि हमको नहीं पता है, हम तो उधर से ही लेते हैं, पब्लिक को इधर से हम थोड़े थोड़े करके रिटेल और होलसेल भी इधर हम सप्लाई कर रहे हैं, पर इसमें क्या हुआ पता नहीं, बोलिए बोले वजह जो है हम एफएसएल को भिजा के वो कुछ फार्म बार जो मिलाकत हुई वो कौन सी होती बोल के मालूम करने सीज करके हम भिजा रहे हैं। ब्रांडेड आटे में ये आटे में कोई रेट डिफरेंस है, कम है क्या ये? हाँ रेटों में कुछ कमी नहीं है, रेटों तो तकरीबन सेम ही है, लेकिन जो ब्रांडेड आटा है वही रेट पे ऐसा दे रहे हैं। हाँ बस ब्रांडेड आटा की रेट पे ही यही चल रहा है, और इंस्पेक्टर फूड वही भी आके विजिट कर रहे हैं।